अस्सलामुअलैकुम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और एक बार फिर कंगना रनावत शह सुर्खियों की जीनत बन गई हैं, लेकिन इस बार अपने बयानात की वजह से नहीं लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। वजह क्या बनी बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। जाली वीडियो को हकीकी समझने पर कंगना रनावत शह सुर्खियों की जीनत बन गई। हुआ कुछ यूं कि कंगना रनावत ने विष्णु देवी नामी शख्स की जानिब से शेयर करदा एडिट वीडियो को कतर एयरवेव्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO अकबर अल बकर की हकीकी वीडियो समझकर इस पर तनकीद कर डाली। भारतीय नशरियात इदारे नई दिल्ली टेलीविजन NDTV के मुताबिक कंगना रनावत ने जाली वीडियो के स्क्रीन शॉट इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए और कतर एयरवेव्स के CEO को बेवकूफ़ शख्स करार देने के अलावा इन्हें मगरूर भी करार दिया और लिख डाला कि वो गरीब भारतीय शख्स पर तनकीद कर रहे हैं। इन्होंने कतर एयरवेव्स के CEO को ज़मीन पर बोझ भी करार दिया और लिखा कि वो गरीब भारतीय अफराद का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर शक कंगना रनावत के बाद अजा हकीकत मालूम होने पर इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी, मगर सोशल मीडिया पर भारतीय वेबसाइट पर इनका खूब मजाक उड़ाया गया और वो जाली वीडियो को हकीकी समझने की वजह से खबरों की जीनत बन गई। इन्होंने जिस जाली वीडियो को हकीकी समझकर शेयर किया इसमें कतर एयरवेज के CEO के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। मस्कूरा वीडियो इनके अल जजीरे को दिए गए इंटरव्यू की वीडियो थी जिसे एडिट करके मजाहिया वीडियो बनाई गई थी, मगर कंगना रनावत ने इसे सही समझा और सोचे बगैर अपनी राय का फिर से इजहार कर डाला। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।